राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंस्टेंट पैसा और लग्जरी पाने के लिए आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए, और वो ऐसे उपाय होगा कि जो बहुत ही आसान होगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये इंस्टेंट उपाय जो पैसे कर लिए उपाय जो ये है, ये हमें कौन कौन सी और चीज़ों में मदद करेगा। क्योंकि उपाय तो आप हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों का इतना प्यार सम्मान देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही रोज रात को हम लोग फ्री कुंडली विश्लेषण करते हैं, तो आप लोग जरूर हमसे रात को फ्री कुंडली विश्लेषण में जुड़े और हमारे कुंडली विश्लेषण का हिस्सा बने। जहां पर जो लोग कुंडली नहीं दिखा सकते हैं, हम उनका जो है उनकी पत्रिकाओं के साथ में उनको एक एक उपाय जो है वो बताते हैं। तो चलिए, पैसा अगर आपके पास जुड़ता नहीं है, पैसा आपके पास जुड़ता नहीं है, पैसा आता तो बहुत है लेकिन वो रुकता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटीज जो है ना, आपको तो आपके अंदर पूरा टैलेंट है, आपके अंदर पूरा जज्बा है, आपके अंदर पूरी कैलेबर है, लेकिन फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इसके लिए आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन को तो देखते देखते हैं, उसके नॉर्थ भी आपका क्लियर है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी कोई गड़बड़ नहीं है, उसके बावजूद भी अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो तो आप अपने उपाय करना है। शादी हो ना रही हो, साउथ वेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी शादी नहीं हो रही है, तब भी आपको ये उपाय करना है। रिलेशनशिप आपकी टूट गई है, प्यार मोहब्बत टूट गया है, प्यार ने आपके धोखा दे दिया है, ऐसा प्यार जो आपको कस्में खाता था, प्यार मोहब्बत जीना मरना सब साथ में होगा, वो भी आपको छोड़कर चले गया है। स्पाउस आपका अक्सर बीमार रहता है, यानी कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड अक्सर बीमार रहता है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लाइफ में चार्म खत्म हो गया है, चार्म मतलब खत्म हो जाना, इसका मतलब नहाने का मन ना करना, तैयार होने का मन ना करना, कहीं जाने का मन ना करना, कोई आता है तो उसके सामने आने का मन ना करना, मतलब जिंदगी में चार्म खत्म हो गया है, विचार डिस्टर्ब हो रहे हैं, और लग्जरी यानी कि सब कुछ होते हुए होते सोते भी या नहीं भी होते हुए कभी तब भी हमारा कुछ करने का मन ना करना। लव लाइफ की प्रॉब्लम आपकी हमेशा रहना, वेल्थ एंड मनी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहना, तो आपने इन सब चीज़ों में लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाना, और लाइफ में आपको लग्जरी के लिए भी आपको तरसते रहना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एक फ़ोन के लिए भी आपको तरसना पड़ सकता है। आपको ये उपाय आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ देगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी शुक्र देव खराब हो रहे हैं, शुक्र जो आपको इंटरनल हैप्पीनेस देता है, शुक्र जो आपको जो है आपको लग्जरी देता है, आपको वैभव देता है, आपको सुख शांति देता है, आपका शुक्र कहीं पर भी डिस्टर्ब हो, चाहे वो केतु से पीड़ित हो रहा है, चाहे वो छठे आठवें और छठे आठवें नवम भाव में है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर शुक्रदेव को मैंने पीड़ित ही देखा है, तो यहाँ पर शुक्र आपका राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, शुक्र आपका कहीं और भी अगर पीड़ित है तो आपके लिए सूर्य से पीड़ित है, तो आपके लिए ये उपाय रामबाण उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी ने सफ़ेद ज्वार देखी होगी, सफ़ेद ज्वार ऐसी चीज़ होती है जो शुक्र की कारक चीज़ होती है, उसे आपने रात को पानी में भिगोना है, और ये उपाय आपको शुक्रवार से शुरू करना है। अगर आपको वो जो अब आप कहेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो आप एक मुट्ठी लें, दो मुट्ठी लें, अगर आपके हस्बैंड वाइफ दोनों ये उपाय करने के लिए तैयार हैं तो एक मुट्ठी हस्बैंड के लिए लें, एक मुट्ठी वाइफ के लिए लें, या फिर आप एक एक कटोरी ले सकती हैं, आप एक एक किलो ले सकते हैं, जितना आपका मन करे उतना आप ये उपाय करें। अगर देखिए, अगर आप शुक्रवार कर रहे हैं तो आप इस उपाय को कैसे कर सकते हैं, एक एक किलो की दाल, एक एक किलो सफ़ेद ज्वार ले सकते हैं। इसमें ना ज्वार ना दो तरीके की आती है, एक सफ़ेद रंग की होती है और एक ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की ज्वार से उपाय करेंगे तो उसका इफेक्ट कुछ अलग सा आएगा। आपको वाइट ज्वार लेनी है, वाइट ज्वार जो शुक्र की कारक चीज़ होती है, आपने वो ज्वार लेनी है, उसे रात को भिगोना है, यानी कि आपने वीरवार की रात को आपने उसको भिगो देना है। उसके बाद सुबह उसका पानी निकाल के ज्वार फूल जाएगी आपकी, और वो जो है ज्वार को आपने अपने हाथों में रखकर गाय को खिलाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे दर्शक बोलेंगे, क्या कहते हैं कि भाई गाय तो मिलेगी नहीं, गाय को कहाँ ढूंढेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो गाय को ना खिला पाए तो आप उसे पक्षियों को खिलाएं। गाय को हाथों में खिलाएंगे तो गाय जो है वो शुक्र का कारक होती है, तो यहाँ पर जब शुक्र के कारक की चीज़ आप शुक्र को शुक्र से मिलाते हैं, गाय जब आपके हाथ चाटेगी, आपके हाथों को जो है उसकी जो
हाथ चाटने से जो आपके भाग्य का उदय होगा, आपका शुक्र पर्वत एक्टिव होगा। मैं तो कहती हूँ कि इस पोर्शन को गाय से अपने अगर आप चटवा लें, यानी कि अगर गाय इस पोर्शन को चाट ले तो आपका शुक्र ग्रह बहुत बढ़िया हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि आलू लो और इस पर रखो और आलू गाय को खिला दो, वो उसका जो है गाय की जीभ तो आपके हाथ पर लगी जाएगी। तो ये उपाय आप कीजिए, आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। और ऐसा आपने 11 शुक्रवार आपने ऐसा करना है या 11 दिन लगातार आपने ऐसा करना है, फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप इसे दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में जो लोग गाय का ऑप्शन जिनके पास ना हो वो पक्षियों को डाल दे। देखिए पक्षी तो इंग्लैंड क्या, अमेरिका क्या और ऑस्ट्रेलिया क्या, हर जगह पर आपको मिली जाते हैं। तो यहाँ पर ये काम आप जो है ये शुक्रवार के शुक्रवार आप ये कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन भी अगर आपके पास ना हो तो वन फ्राइडे, एक किसी भी फ्राइडे वाले दिन आप ये ज्वार सूखी लीजिए फिर और जाकर मंदिर में जाकर रखाइए। अगर ज्वार ना मिले तो फिर आप कॉटन मंदिर में रखाइए। कॉटन भी ना मिले, ये फॉरेन कंट्री के लोगों के लिए उपाय बता रही हूँ मैं आपको, कॉटन भी ना हो तो देसी घी का दान कर दीजिए। वो कंटिन्यू ये आप करते रहेंगे। अगर आपको मंदिर में नहीं दे सकते तो गुरुद्वारे में दे दीजिए, मस्जिद में दे दीजिए, चर्च में दे दीजिए। देसी घी तो हर जगह पर यूज़ होता ही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देसी घी भी नहीं दे सकते तो आप दही का दान करना शुरू कर दीजिए। दही मंदिर में रख दीजिए, मस्जिद में रख दीजिए, गुरुद्वारे में दे दीजिए। वो फिर आप क्वांटिटी आपकी मर्जी है कि कितनी आपने क्वांटिटी देनी है, लेकिन ये जो सफ़ेद ज्वार का उपाय होता है ना, ये अल्टीमेटली बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। लोग तो मुझे तीसरे शुक्रवार, दूसरे शुक्रवार, पाँचवें शुक्रवार में बोलते थे गुरुमा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस उपाय को करने से, सच में हमारे जीवन में लग्जरी आनी शुरू हुई है। कई लोगों को तो इतना धन इसके बाद मिला है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिनके पति उनको, जिन लेडीज को एक एक रुपया देने से इतना खिलसाते थे, इतना खिलसाते थे एक एक रुपया। देखिए आप जो बीवी होती है वो भी आपके घर में जो है वो काम करने वाली बाई नहीं है। अगर वो नहीं कमाती, आपकी पूरी होम मेकर होती है, पूरे घर को सुख शांति से रखती है। जब आप घर से जाते हैं आप एक काम वाली को रख के देखिए, वो काम वाली कितने आपको नखरे दिखाती है। और फिर चार महीने में 4 दिन छुट्टी भी लेती है, ठीक है, और ज़्यादा छुट्टी ले लेगी फिर तनख्वाह भी आप लोग उसकी काट लेते हो। तो आपको देखिए फ्री की जो है बीवी मिली हुई है, हर चीज़ के लिए बीवी मिली हुई है, तो उसकी इज्जत कीजिए प्लीज़। और जब आप उसकी इज्जत करेंगे तो आपको भी आपका शुक्र अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये मैं लेडी को भी बोलना चाहूँगी, जो हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, वो भी अपने पति की इज्जत कीजिए, क्योंकि अगर अपने पति की इज्जत की करेंगे तो आपको बहुत अच्छे शुक्र के इसके अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। और मैं तो कहती हूँ अपने हस्बैंड को जी कहना शुरू कर दीजिए। देखिए जब भी संजीव जी मेरे से कुछ बात करते हैं तो मैं हमेशा उनको संजीव जी कहती हूँ और वो मुझे हमेशा साक्षी जी कहते हैं। ये अभी से नहीं, जब हम एस्ट्रोलॉजी नहीं भी करते थे तब भी हम ऐसे ही एक दूसरे को बोलते थे। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली। ऐसे ही वीडियोस को और देखते रहिएगा। राधे राधे।